नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE विद HSM में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा MSc मेडिकल एडमिशन 2019 से 2020 के लिए राउंड टू के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से इस गाइडलाइन के संदर्भ में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण जो लिंक है वो दिखाई देंगे। RUHS MSc मेडिकल एडमिशन 2019 से 2020 गाइडलाइन टू कैंडिडेट फॉर रिपोर्टिंग इन राउंड टू पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्लिक टू डाउनलोड गाइडलाइंस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइन टू कैंडिडेट फॉर रिपोर्टिंग राउंड टू ऑफ द अलॉटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो दो प्रकार से दी गई है, एक तो है फिजिकल रिपोर्टिंग और दूसरा है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो दिए गए जो आवंटित कॉलेज है वहाँ पर आपको उपस्थित होना होगा, फीस जमा कराने की जो रसीद है वो, और साथ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने होंगे और वहाँ पर आपको इनको जमा कराना होगा। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन है ई जॉइनिंग का। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कन्फर्मेटरी जो ईमेल है जो कॉलेज की जो अलॉटेड किया गया है वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको अपनी आईडी से कॉलेज में आपको ईमेल भेजनी होगी, जिसके अंदर जितने भी स्कैंड किए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको कॉपी भेजनी होगी, अपलोड करना होगा, और इसी के साथ में अलॉटमेंट जो लेटर है और जो रसीद फीस जमा कर बैंक में फीस जमा कराने की जो रसीद है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से हम दो प्रकार से जो कॉलेज अलॉटमेंट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है और जो भी वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है जो कंपोनेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा, और फिजिकल रूप से अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसको साथ लेकर जाना होगा। और इस नीचे जो दी बैंक अकाउंट डिटेल एंड ईमेल ऑफ द कॉलेज, तो ये ईमेल दी गई है। अगर आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिला है तो इस ईमेल आईडी पर आपको जो है ईमेल भेजनी होगी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर। तो यहाँ इनकी ईमेल आईडियां जो बैंक है वो दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप इनको आसानी से जो ईमेल है वो कर सकते हैं। तो यहाँ RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस जयपुर के लिए है, SN मेडिकल कॉलेज है। जो भी कॉलेज आपको आवंटित किया गया है उसकी ईमेल आईडी पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे अगर आप ऑनलाइन जो है रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सभी कॉलेज जो भी कॉलेज आवंटित हैं उनकी सूचनाएँ दी गई हैं। यहाँ अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो भरना होगा और इसे भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप फिजिकल रूप से रिपोर्टिंग करते हैं तो भी आपको इसको भरकर साथ ले जाना होगा। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा MSc मेडिकल एडमिशन 2019 से 2020 के लिए राउंड टू के जो विद्यार्थी हैं उन्हें कॉलेज रिपोर्टिंग के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके संदर्भ में हमने विस्तारपूर्वक जाना। आशा करूंगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।